सुबह तक तो वेट करना ही पड़ेगा, जब वो ऑर्डर करेगी हमें बताएगी। हमारी लाइट्स, ये लाइट्स कैसे चली गई? और ये दरवाजा भी बंद हो गया। अंधेरा हो गया क्या? हाँ, कुछ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, रिलैक्स, डोंट वरी। अंधेरा एक ऐसी चीज है जिससे मुझे डर नहीं लगता। मैं दरवाजा खोलता हूँ, आओ मेरे पीछे पीछे। दरवाजा कैसे बंद हो गया? लगता है हवा से बंद हो गया और जाम हो गया। दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। हम क्या करेंगे अब? मुझे पता है वहां रैक है ना, उससे थोड़ा आगे जाके फायर एग्जिट है। मैं ले चलता हूँ तुम्हें। तुम घबराओ मत, यहां से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। हाँ तो अगर आप ठान लें तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं दर्श जी, और कल बिजनेस वालों के सामने भी मैं आपको हारने नहीं दूंगी। हेलो रीना, किसी डिलीवरी वाले का कॉल आया क्या? हेलो। हेलो रीना, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। हम आज सूट पे मिले थे ना? हाँ। मेरे लिए काम करोगी? बोलो। कल फिर से रावल स्वीट से मिठाई ऑर्डर कर सकती हूँ। लेकिन क्यों? हमने बताया था ने कि कोई है जो हमारे नाम से नकली मिठाइयाँ बेच रहा है, तो बस उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं, अभी तो कोई कॉल नहीं आया डिलीवरी बॉय का। हाँ, बट अगर आता है तो मैं तुम्हें जरूर बताती हूँ। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। सॉरी। फैक्ट्री में पता नहीं कौन है जो इतना बड़ा धोखा दे रहा है हमें। डिलीवरी का माल तैयार है ना? डिलीवरी वाले ने एक घंटा कहा था ना? एक घंटा तो हो गया, आता ही होगा। जी, या, 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 यस। ना भाई, वो संदीप पहले भी दो कंपनी डुबा चुका है। जब मुझे तुम्हारी कंपनी के सीईओ पर भरोसा ही नहीं, तो मैं कैसे पैसे लगा सकता हूँ? सॉरी। जय द्वारकाधीश। राजवी, विपुल, लगता है गोवा बहुत पसंद आ गया। तुम लोग तो द्वारका वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। वो क्या है ना, हमें पता था कि आप यहाँ पर आकर हमसे मिलने वाले हैं, इसीलिए ट्रिप एक्सटेंड कर दी। द्वारका में तो आकर आप हमसे मिलेंगे नहीं। हेलो अंकल। केम छे भाई? मजा मा, आप कैसे हो? मजा मा एकदम। और दर्श कहाँ है?
एक्चुअली कुछ अर्जेंट चेक साइन करने थे, वो ऑफिस गया है, बस आता ही होगा। जब मैं आने वाला था तभी जाना था उसे चेक साइन करने, कब तक आएगा वैसे? बस वो अभी आता ही होगा, आप आइए ना, आइए। प्लीज कम। शायद वो डिलीवरी वाला ही है। हरीश भाई, इसमें दर्श की कोई गलती नहीं है, कोई है जो हमारा नाम यूज करके नकली मिठाइयां बेच रहा है। हमें 2-3 दिनों का वक्त दीजिए, उन लोगों को एक्सपोज कर देंगे और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन बाकी के शेयर होल्डर्स सबका यही कहना है कि दर्श रावल ने धंधा पूरा डुबा दिया। मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ, आज सारे इन्वेस्टर्स की मीटिंग है और सब लोग यही चाहते हैं कि दर्श न सिर्फ गोवा प्रोजेक्ट छोड़ दे बल्कि रावल स्वीट्स का सीईओ भी ना बने। अगर उनकी बात हमने नहीं सुनी तो सारे इन्वेस्टर्स अपना अपना पैसा वापस ले लेंगे, कोई रावल स्वीट्स को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हरीश भाई, हमारे पास में एक प्लान है, हम प्रूव कर सकते हैं कि सब स्टैंडर्ड माल जो आ रहा है वो हमारी कंपनी का है ही नहीं। अगर हम ये प्रूफ कर दें तब तो इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने बताया क्यों नहीं कि डिलीवरी वाला देख नहीं सकता? बट ये वो इंसान नहीं है जो उस दिन था। इसका मतलब जरूर उस दिन जो आपके पास आया था वही वो आदमी है जो ये नकली मिठाइयों का बिजनेस कर रहा है, लेकिन आज तो उसने किसी और आदमी को भेज दिया। अब कैसे ढूंढेंगे हम इस आदमी को? अब भाई ये डिलीवरी देना। जिस कंपनी की मिठाई आप डिलीवर कराने आए हैं वो हमारी कंपनी है, और जिस आदमी ने आपको इस डिलीवरी के साथ भेजा है वो नकली मिठाइयां बेच के हमें धोखा दे रहा है। भाई क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं उसे ढूंढने में? आप बता सकते हैं कुछ भी उसके बारे में? वो सर के बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, इतना पता है कि वो धोती पहनते हैं, क्योंकि एक दिन मेरे हाथ से बॉक्स गिरने लगा था तो उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि मिठाई अगर गिर जाती तो धोती पर लग जाती, और उनके बात करने के तरीके से लग रहा था कि वो पान खाते हैं। धोती पहनता है, पान खाता है, और कुछ बता सकते हैं आप? और कुछ तो नहीं पता है मैडम मुझे। धोती पहनता है, पान खाता है, इतनी सी जानकारी से उस आदमी को कैसे ढूंढ पाऊंगी? सारे डब्बे जला दूंगा, क्योंकि ये रावल परिवार ना पागलों की तरह हमें ढूंढ रहा है, मेरा मतलब नकली मिठाई बेचने वाले को, पर पहुंच नहीं पाएंगे हम तक, क्योंकि इसीलिए मैंने ऐसे लोगों को रखा था काम पे जो देख नहीं सकते, ताकि वो कभी भी रावल परिवार को यहां का पता नहीं बता सके। नहीं, दर्श साहब को मैं कुछ नहीं होने दे सकती, उस आदमी को तो मुझे ढूंढना ही होगा। भाई आप उस डिलीवरी वाली जगह के बारे में कुछ भी बता सकते हैं? कोई चर्च हो वहां पर, कोई मंदिर, कुछ आवाज आई हो, कुछ सुनाई दिया हो? ट्रेन की आवाज सुनी थी मैंने, और कोई उस जगह की कोई खुशबू या कुछ और उस जगह के बारे में आपको याद हो? उस जगह पर मछली की बदबू आती है और आसपास के लोग कोली भाषा में बात करते हैं, हो सकता है वो मछुआरों की बस्ती हो। यहाँ पास में एक गांव है जहाँ पे मछुआरों की बस्ती और रेलवे स्टेशन दोनों आसपास है। सॉरी बहन जी, अगर मैं देख पाता तो मैं आपको जरूर वहां लेकर जाता। अरे आपने बहुत मदद की है भाई, ना देख पाने की वजह से अपने आप को कभी कम मत समझेगा, और मैंने किसी से सीखा है आंखों में रोशनी भले ही ना हो लेकिन जिंदगी में रोशनी जरूर हो सकती है। थैंक यू। मेरा कॉल आ रहा है, मैं चलती हूँ। बाय, इट्स ओके। जो धोती पहनता है
पान खाता है और जिसका फैक्ट्री में आना जाना हो। राखला? अगर ये आदमी राखला है तो मुझे इसे रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। किसी के हाथ कोई सबूत नहीं लगेगा। देख राखला, चाहे जो कुछ भी हो जाए बस पकड़े मत जाना। हाँ तो प्रार्थना कर कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं, क्योंकि अगर मैं जेल जाऊंगा ना तो अकेले नहीं जाऊंगा, तुझे लेके जाऊंगा, समझी? की वजह से आज साहब इतनी मुसीबत में, उसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। ये राखला, तुझे अंदर जाते हुए किसी ने देखा तो नहीं है ना? चुप कर, एक तो वैसी बहुत टेंशन है, ऊपर से तू बेकार के सवाल पूछ रही है। इन्वेस्टर्स के भी बार बार कॉल आ रहे हैं, बोल देता हूँ निकल गए। अरे अब चेतन, दर्श कहाँ है? वो नहीं आया भाभी। नहीं आया? और हमें मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी और मीटिंग की लोकेशन भी शिफ्ट करनी पड़ेगी। लोकेशन शिफ्ट करनी पड़ेगी? के काम नहीं चलेगा, हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। कानूड़ा मेरी रक्षा करना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।